रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से बॉलीवुड का सबसे बड़ा सम्मान हासिल कर अमिताभ बच्चन यानी बिग बी ने साबित कर दिया कि उन्हें यूं ही सुपरस्टार ऑफ द मिलेनियम नहीं कहा जाता। सम्मान के दौरान राष्ट्रपति भवन में जब फिल्मों में उनके योगदान के बारे में बताया जा रहा था, तब वो गंभीरता की चादर ओढ़े बैठे रहे, मानो वो झुककर बेहद विनम्रता से कहना चाह रहे हों कि उन्होंने तो बस अपना कर्म ही किया था, बिना फल की चाह की सोचकर। बंद गले के काले कोट में बिग बी को राष्ट्रपति ने दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया, साथ ही प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद जब बिग बी को दो शब्द कहने के लिए बुलाया गया तो वो विनम्रता से राष्ट्रपति को किया गया उनका आग्रह कायल कर गया कि वो केवल बहुत बड़े कलाकार ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बिग बी ने इस मौके पर राष्ट्रपति से अपने दिल की बात करने की इजाजत मांगते हुए साफ कहा कि उन्हें मालूम है कि वो धृष्टता कर रहे हैं। बिग बी ने पूछा, क्या इस सम्मान का मतलब ये है कि उन्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए? धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि क्या कहीं ये संकेत है मेरे लिए कि भाई साहब अब आपने बहुत काम कर लिया, अब घर बैठ के आराम कीजिए। क्योंकि देवियों सज्जनों, अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है जिसे मुझे अभी पूरा करना है, और आगे भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं जहां मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, तो यदि इसकी पुष्टि हो जाए तो बड़ी कृपा होगी आपकी। धन्यवाद। बिग बी ने मजाक मजाक में बात जरूर कह दी, लेकिन ये बात सुलहो आने सच है कि अवार्ड अब तक उन्हीं लोगों को मिलता रहा है जो 8 या पैरेलल फिल्मों से जुड़े हीरो हीरोइन या डायरेक्टर रहे हैं। देविका रानी से शुरू हुआ अवार्ड का सफर अभी बिग बी पर आकर रुका है। ये अवार्ड पाने वालों में बिग बी के समकालीन केवल स्वर्गीय विनोद खन्ना ही है, वरना ये अवार्ड मॉडर्न हिंदी सिनेमा की नींव रखने वाले बड़े कलाकारों राज कपूर और दिलीप कुमार तक को नहीं मिला है। ये अवार्ड अब तक सत्यजीत रे, मृणाल सेन, सौमित्र चटर्जी, गुलजार, मन्ना डे, तपन सिन्हा, अडूर गोपाल कृष्णन, यश चोपड़ा, ऋषिकेश मुखर्जी, लता मंगेशकर और वी शांताराम जैसे नामचीन सितारों को मिले हैं। बिग बी को मिले अवार्ड ने साबित किया है कि सबसे बड़े सम्मान का हकदार केवल पैरेलल सिनेमा ही नहीं बल्कि कमर्शियल फिल्मों से जुड़ी हस्तियां भी हो सकती हैं। आकाश शुक्ल, दिल्ली।